सॉक्स को इस तरह अगर हम घिसेंगे तो हमें किस कदर फायदा होगा। आज मैं आपके लिए जीरो कॉस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। अगर हम प्रेशर कुकर की रबड़ को उसके ऊपर हेयर बैंड चढ़ाते हैं तो हमें क्या फायदा मिलेगा, आप इस वीडियो में इसको जानने के लिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जब चाय बनाते हैं तो उसमें पत्ती आ जाती है ना, जो चाय बनाते वक्त हम उसको वेस्ट कर देते हैं क्योंकि वो हमारे किसी भी काम काज के लिए इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन आज के बाद आप इस पत्ती को भी नहीं फेंकेंगे जो हमारे चाय बनाने के बाद हम उसको फेंक लिहाजा देते हैं। हम सबके घरों में काले भांडे तो जरूर होते हैं, मतलब खाना बनाते वक्त, क्योंकि आजकल सर्दी है तो गैस नहीं आ रही, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि या तो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं या फिर सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभार सिलेंडर खराब होने की वजह से भी उसमें बर्तन जो है वो काले पड़ जाते हैं जब हम उसके अंदर कोई भी चीज़ बनाते हैं। तो आपने क्या करना है कि पत्ती ले लेनी है, चाय की पत्ती, और जो पहले से यूज़ हुई हुई हो आपने दोबारा से उसको बॉईल करने की और नई लेकर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। जब भी आप चाय बनाएं तो वो पत्ती जो है आपके इस्तेमाल में ना हो तो आप उसको रख लें, और आपने उसी पत्ती के ज़रिए से सारी देचकी के ऊपर लगा लेनी है अच्छी तरह से, और फिर इसको जो है हाथों के साथ रब करते जाना है। आपने इसको अच्छी तरह से रब करना है, जहाँ जहाँ से भी देचकी जो है वो बर्तन जो है वो काला होगा आपने उसको अच्छी तरह से रब करना है। थोड़ा आपने क्या करना है कि हाथों को ज़रा ज़ोर से घिसना है उसके ऊपर, ताकि जो इसकी कालक है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। और आप इसको 1 से 2 मिनट तक तकरीबन घिसेंगी तो ये जितनी भी सख्त कालक होगी वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगी। अब मैं आपको इसको वॉश करके दिखाती हूँ। वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कि कहीं भी इसमें कालक जो है वो मौजूद नहीं रही, और ये देचकी हमारी बिल्कुल साफ हो चुकी है। लग ही नहीं रहा था कि ये इतनी काली थी, तो साफ हो जाएगी। दे आपके सामने ये साफ हो चुकी है। अब टिप नंबर हम 2 स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 2 में ये है कि अक्सर हमारे घरों में प्रेशर कुकर होता है, और जब हम खाना बनाने लगते हैं इमरजेंसी की हालत पे, तो देखते हैं कि उसकी रबड़ जो है वो ख़राब हो चुकी है, और इतनी इमरजेंसी में अब हमें बाज़ार जाना पड़ेगा और फिर नई रबड़ लेके आनी पड़ेगी। तो आपने इस टिप को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रेशर कुकर की रबड़ को ठीक कर सकते हैं। आपने कोई भी पोनिया ले लेनी है, मतलब हेयर बैंड जो बच्चों के बालों में बांधते हैं वो आपने ले लेनी है, और आपने प्रेशर कुकर की रबड़ के ऊपर जो है ये पोनिया जो है आपने अच्छी तरह से बांध देनी है, मतलब रबड़ आपने दोनों तरफ से अच्छी तरह से बांध देनी है, और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो है वो आपका प्रेशर कुकर बिल्कुल सही चलेगा, लेकिन आपने इस टिप को इमरजेंसी की सूरत पे इस्तेमाल करना है, और जब आपके पास टाइम हो बाज़ार जाने का तो आप बाज़ार से जो है वो ईजीली इस तरह की प्रेशर कुकर की रबड़ खरीद सकती हैं। है ना ये मज़े की टिप। जब भी कभी आप कि प्रेशर कुकर की रबड़ ख़राब हो तो आपने इस टिप को जो है वो लाजमी ट्राई करना है। तो आपको ये टिप पसंद भी आएगी, और अगर आपको ये टिप पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब टिप नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। हम जितने मर्जी मॉडर्न हो जाए, लेकिन हम सबके घरों में स्टील के बर्तन तो ज़रूर होते हैं। स्टील के गिलास हो गए, इसके अलावा कटोरियाँ होगी, प्लेट्स होगी, हम उनका इस्तेमाल जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में लाजमी करते हैं। अक्सर वक्त के साथ साथ इनकी शाइन ख़त्म हो जाती है। आपने कोई भी टूथपेस्ट ले लेना जिससे हम दांतों को मांजते हैं, मतलब साफ़ करते हैं, आपने वो ले लेना, और कोशिश करें कि वो वाइट ही कलर में हो। आपने उस बर्तन के ऊपर उसको थोड़ा सा अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपने अच्छी तरह से उसको घिसना शुरू कर देना है, मांजना शुरू कर देना है, मतलब हाथ की मदद से ही आप उसको साफ़ करेंगे तो ये इजीली जो है वो साफ़ होता जाएगा। आपने जब टूथपेस्ट, लिहाजा थोड़ा थिक होता है तो आपने उसके ऊपर हल्का सा पानी लगा लेना है। पानी लगाने के बाद आपने अच्छी तरह से उसको मसलना शुरू कर देना, और उसके बाद आपने बर्तन को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो आप देखिएगा कि आपका बर्तन जो है वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे नया खरीदा हुआ हो, और इसकी शाइन जो है वो दोबारा से आ जाएगी। तो आपने इस टिप को भी लाजमी ट्राई करना है। लास्ट जो है आप देख सकते हैं किस तरह से शाइन करना शुरू हो गया। अब जी टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 4 भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अक्सर हमारे जिस्म में कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने कोई भी चम्मच ले लेना, और चम्मच की मदद से आपने फिंगर के ऊपर हल्का हल्का दबाव दे। इस तरह फिंगर पर प्रेशर देने से हमारे जिस्म की बहुत सी बीमारियां जो है वो ख़त्म होती हैं।
तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, और आप जो है वो ट्राई करने के बाद जरूर रिलैक्स फील करेंगी। अब जी है हमारे पास टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 ये है कि अक्सर जब हम कोई भी चीज़ छानने लगते हैं तो बर्तन जो है वो छोटा होने की वजह से जो है वो छाननी बार बार उसमें गिरने लगती है। तो आपने क्या करना है कि आपने एक चम्मच ले लेना है, और चम्मच को आपने वो छाननी के अंदर जहाँ पे एक होल होता है आपने उसके अंदर डाल देना, तो आपके जो छाननी है वो बर्तन में बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। और उसके बाद जो है जी टिप नंबर 6। टिप नंबर 6 भी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। अक्सर जब हम सॉक्स पहनते हैं, सॉक्स पहनने के बाद हमारे जिस्म पर करंट फील होता है, पाँव में जब पहनते हैं, बच्चों को पहनाएं तो वो बच्चे भी एकदम जब पहनते हैं या उतारते हैं तो वो उस जिस्म पर जो है पाँव पर करंट फील होता है। आप उसको किस तरह से इससे बचाव कर सकते हैं कि ये छोटा सा कद्दूकस तो हर किसी के घर में होता है, अगर ये नहीं है तो जो बड़ा आपके पास है ना वो आप ले सकते हैं। और इस पर आपने सॉक्स को जो है वो मसलना है। आपने 1 से 2 मिनट जो है वो सॉक्स को अच्छी तरह से आपने मसल लेना है। मसलने के बाद, और आपने इसको उल्टा करके मसलना है, सीधा करके नहीं, आपने इसको मसलना। उसके बाद आप इसको यूज करिएगा तो आपके पाँव में करंट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके अलावा आप अच्छे अच्छे कॉमेंट भी कीजिए। आइंदा आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।